Hello, dear students. So, I will solve few problems given by you. Now, let me read this first problem. The problem is a man stands 10 meter in front of a large plane mirror. एक plane mirror है, उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, और उससे 10 meter की दूरी पर. How much will he walk? कितना वो चले, कितना वॉक करे बिफोर ही इज 5 meter अवे फ्रॉम हिज इमेज. 5 meter की दूरी पर उसकी इमेज. तो प्रॉब्लम आसान है. सपोज दिस इज द प्लेन मिरर. ठीक है, तो प्लेन मिरर का मैं साइड व्यू बना रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपको वो लाइन के रूप में नजर आएगा. और सपोज दिस इज द पॉलिश सरफेस, राइट हैंड साइड पर पॉलिश सरफेस. तो ये जो साइड होगी ये इमेज की साइड होगी, पॉलिश की तरफ ही इमेज बनती है. और ये जो साइड होगी ये ऑब्जेक्ट की साइड. ओके, तो जो साहब हैं जो खड़े हुए हैं वो 10 meter की दूरी पर खड़े. ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि एक इमेज उन ऑब्जेक्ट बना देता हूँ. वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, वो प्लेन मिरर से 10 meter की दूरी पर खड़े हुए हैं. तो 10 meter की दूरी पर ही इमेज बनेगी, वर्चुअल होगी बिहाइंड द मिरर. ठीक है, तो सपोज इमेज जो बनेगी उनकी वो बनेगी, उसको मैं येलो से बनाता हूँ. इमेज जो बनेगी वो यहाँ बनेगी उनकी. ठीक है, और ये भी 10 meter की दूरी पर ही होगी, ये हम सब जानते हैं. तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इनिशियली वो कितना है, वो 20 meter. ठीक है, प्रॉब्लम ये कह रहे हैं कि ये कितना मूव करें, कितना मूव करें कि इनके और इनकी इमेज के बीच बिफोर ही इज 5 meter अवे फ्रॉम हिज इमेज. ही इज 5 meter अवे फ्रॉम हिज इमेज. तो यानी इनको मिरर से 2.5 meter की दूरी तक आना होगा. बात समझ में? तो यानी ये कहां पर आ जाए, ये आ जाए आपके यहां तक 2.5 meter की दूरी पर आ जाए. तो यानी ये यहां पर आ जाए. ठीक है, ये यहां पर आ जाए. सो दैट इनकी इमेज कहां पर बनेगी, इनकी इमेज यहां पर बनेगी. इमेज भी 2.5 meter की दूरी पर बनेगी मिरर से. तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, 5 meter हो जाएगी. तो इसके लिए इन्हें चलना कितना पड़ेगा, इन्हें कितना वॉक करना पड़ेगा. तो ये यहां से लेकर यहां तक 10 meter है, और यहां से लेकर यहां तक 2.5 meter है. यानी इनको जो चलना है यहां से लेकर यहां तक वो 7.5 meter चलना. क्या बात समझ में आती है? तो क्या आंसर दे रखा है? यस, आंसर दे रखा है, और ये डी आर. तो अगर ये 7.5 meter आगे की तरफ चलेंगे तो इनके और इनके इमेज के बीच में जो दूरी हो जाएगी वो 5 meter की हो जाएगी. इट इज ए वेरी सिंपल. नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज येट वेरी सिंपल. द आई लेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है वो बेसिकली हेवनली बॉडीज को या बहुत दूर की बॉडीज को, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को, चांद को देखने के लिए, सैयारों को देखने के लिए, जुपिटर मार्स को देखने के लिए, स्टार्स को देखने के लिए यूज होता है. ठीक है, बहुत बड़ी दूरी वाली चीजों को देखने के लिए हम यूज करते हैं. इसका एक डायग्राम ये है कि ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस है. इसका वर्किंग प्रिंसिपल तो 12th के अंदर पढ़ाया जाता है, रे डायग्राम वगैरह, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आपकी आसानी के लिए बना दिया. ये आई पीस है, ये एक क्या है, आई पीस. यहाँ पर आप अपनी आंख रखते हैं और नीचे की तरफ उसको देखते हैं. क्या करते हैं आप, नीचे की तरफ देखते हैं, क्योंकि रे डायग्राम इस तरीके का बनता है कि इधर से रेज आ रही है. तो इस लेंस के बारे में पूछ रहे हैं, ये कौन सा लेंस है. द आई लेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. ऑब्जेक्टिव लेंस भी और आई पीस भी दोनों कैसे हैं इसके अंदर, कॉनवेक्स. तो आंसर विल बी कॉनवेक्स. कुछ मॉडिफिकेशन भी है मॉडर्न टेलीस्कोप,
that we are not going to discuss. It's the answer of convex lens. Now let us move on to next question. ये इस तरह का question काफी controversial होता है अगर language इसकी सही नहीं लिखी गई. पहले इस question को पढ़ते हैं. If a wire of resistance 6 ohm, एक wire है जिसका resistance 6 ohm, ये पहली information दे रही है. Is drawn to double its length. वो double कर दिया गया अपनी length. ठीक है, यहां ये नहीं कहा कि उसको पिघला के डबल कर दिया, समझ में, उसको हमने मेल्ट किया फिर डबल कर दिया. मास से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन यहां मौजूद नहीं है कि हमने उसके मास में या उसके वॉल्यूम में कोई तब्दीली की है या नहीं की. जब ऐसा होता है तो हम ये मान लेंगे तब्दीली नहीं की, बात समझ में. ओरिजिनल इट्स लेंथ, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी उससे हमने दुगनी कर दी. कैसे कर दी वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, मुझे बताया भी नहीं. द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, न्यू रेजिस्टेंस कितना है भाई, एक वायर था ऐसा सिलेंड्रिकल था, ठीक है, उसकी लेंथ भी यहां से यहां तक, और जो एरिया ऑफ प्रोटेक्शन था वो ए था, इसकी जो रेजिस्टिविटी थी वो रो थी, है ना, रो को ऐसे बना दिया रो थी, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रो एल अपॉन ए, ये कितना था, ये 6 ओम. अब हमने सडनली इसकी लेंथ को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, 2L कर दिया. A से रिलेटेड जो एरिया ऑफ प्रोटेक्शन है या जो थिकनेस है, डायामीटर है, रेडियस है, उससे मुताल्लिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. मटेरियल नहीं बदला तो रो वैसा का वैसा ही रहेगा, बात समझ में. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रो एल अपॉन ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2R के बराबर बन जाएगा, तो 6 × 2, तो ये हो जाएगी 12 ओम. नाउ अब प्रॉपर तरीका क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आते किस तरीके से, वो ऐसे नहीं आएंगे, सादा सीधा नहीं आएंगे. उनमें कहा जाएगा कि हमने वायर को पिघलाया है और वॉल्यूम स्ट्रेटेजी वहां पर अपनाई जाएगी कि वॉल्यूम नहीं बदला हमने वायर, वॉल्यूम नहीं बदला इसका मतलब डायमीटर बदला गया है, इसका मतलब एरिया ऑफ प्रोटेक्शन बदला गया है. अगर हम तार को लंबा करेंगे तो तार पतला हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस पर दो तरीके से असर होगा. तो अभी इस सवाल का जवाब तो यहाँ पर आप 12 ओम लिख दें, कोई बात नहीं, लेकिन हकीकत में इन सवालों को कैसे करते हैं वो मैं बताऊं. ओके, नाउ यू सी, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है. नाउ यू सी कि हकीकत में कैसे करेंगे. तो जो रेजिस्टेंस था वायर का वो कितना है, रो एल अपॉन ए, रो कभी भी नहीं बदला जाएगा, ये बात क्या, ठीक है. और ये गिवन है, ये जो ओरिजिनल वायर था उसका जो रेजिस्टेंस था वो 6 ओम है. नाउ अब बात ये शुरू होती है कि एल को हमने बदल कर 2L कर दिया, क्या वॉल्यूम बदला होगा, मास नहीं बदला तो वॉल्यूम नहीं बदला होगा, तो इसके अंदर तो चेंज आया है, लेंथ के अंदर तो चेंज आया है, वॉल्यूम के अंदर नो चेंज, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं. अगर वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं तो इसका मतलब रेडियस इसका बदला होगा, आर से आर डैश हो गया होगा, बात समझ में आती है. तो दो दो वॉल्यूम लिख लेते हैं, एक पहला वाला वॉल्यूम, पहला वाले वॉल्यूम किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू ओरिजिनल लेंथ. नया वाला वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वो भी इसी के बराबर होगा, लेकिन रेडियस बदला है उसमें, तो हम आर डैश लिख देते हैं, आर डैश स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी हो गई है, लेंथ आपकी 2 गुनी हो गई है, तो 2L लिख देंगे, बात समझ में आ गई. अब हम R को निकालेंगे, R को निकालने का हमारा जो तरीका होगा वो ये होगा कि जो कॉमन चीजें हैं वो काट दीजिए, पाई को पाई से काट दीजिए, L को L से काट दीजिए, तो हमारे पास जो R जो R डैश स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा R स्क्वायर, R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्या बात समझ में आती है. तो न्यू रेडियस किसके बराबर आ गया, न्यू रेडियस बराबर आ गया R अपॉन अंडर रूट 2, नेगेटिव टर्म कैंसिल कर दी जाएगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकता कहीं भी इसका रेडियस, क्या बात समझ में आ गई. अब हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, न्यू रेजिस्टेंस हमको निकालना है. प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो रेडियस है
न्यू रेडियस है वो पुराने रेडियस को अगर रूट टू से डिवाइड करने तब मिलेगा, तो हमारे पास न्यू लेंथ है वो पुरानी लेंथ को टू से मल्टीप्लाई करते तो मिलेगा। तो हम न्यू रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, आर डैश किसके बराबर होगा, रो एल डैश अपॉन आर डैश, आर रो एल अपॉन ए होता है हम सब जानते हैं, रो को एज इट इज रख दीजिए, एल डैश की जगह टू एल लिख दीजिए, सॉरी आर नहीं होगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर ए होता है ना, ठीक है पाई आर स्क्वायर यहाँ पर जो है वो एरिया होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पाई आर अपॉन अंडर रूट टू का स्क्वायर, क्या बात समझ में आती है, यहाँ के बाद से आप यहाँ देखेंगे तो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश किसके बराबर हो जाएगा, रो इंटू टू एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, ये टू सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फोर रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ फोर रो एल अपॉन ओरिजिनल एरिया, और ये न्यू रेजिस्टेंस है, ये रो एल अपॉन ए कितना है, ये पहले से गिवन है इट इज 6 ओम, तो न्यू रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, न्यू रेजिस्टेंस बराबर हो गया 6 24 ओम। तो जो सही सवाल बनेगा उसमें जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग, इसकी लैंग्वेज सही करनी होगी अगर हमें 34 ओम चाहिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए बेटा, मैं आपको चाहता हूं इसकी बेसिक समझा दूं। जब भी ग्राफ का सवाल आएगा जिसमें रेजिस्टेंस शो किया गया हुआ, ये रेजिस्टेंस शो किया गया है ना, ये बेसिकली जो लाइनें हैं ये क्या है, ये वाली लाइन, 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 ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसकी है, रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक। इसमें एक्स एक्सिस पे यहां पर वोल्टेज दे रखा है, यहां पर वाई एक्सिस पे करंट दे रखा है, बात समझ में आती है, ठीक। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक किसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक, रेजिस्टेंस की वी आई कैरेक्टर, और इसमें ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है इसकी रिस्पेक्ट में हमसे रेजिस्टेंस पूछा गया है, ये एक रेजिस्टर है कोई, उसकी वैल्यू आर वन है, ये दूसरा रेजिस्टर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो हमसे बेसिकली ये जानने की कोशिश की जाती है कि इसमें कौन सा रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, कौन से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, बात समझ में आती है। ये ज्यादा और कम के साथ साथ समटाइम्स यहाँ पर एक्स एक्सिस पे वोल्टेज की जगह करंट कर दिया जाता है, और समटाइम्स यहाँ पर करंट की जगह वोल्टेज कर दिया जाता है, दोनों ही बातों को समझ लीजिए, चाहे आई करें चाहे वी करें, बात समझ में आती है, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, तो सामने लिख दिया है, ठीक है, आप इसे नोट करिएगा। अब मैं इसको सवाल को करने का तरीका बताऊंगा, मैं इसको क्लियर कर दिया, अब सवाल कैसे करेंगे, ओके। तो अब हम इसको बिल्कुल इसकी बिल्कुल बेसिक्स जानेंगे कि इसमें रेजिस्टेंस कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है, एक्स और वाई एक्सिस पर अगर हम वी और आई को अलग अलग तरीके से रखें, ठीक है। तो सबसे पहले आर की वैल्यू कितनी होती है, जो आर होता है रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है वी अपॉन आई। लेकिन जब ग्राफ में हम इसको देखते हैं तो R की जो वैल्यू होती है वो चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन रेजिस्टेंस, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये V अपॉन I तो उस वक्त लेते हैं जब कोई चीज जीरो से शुरू हो रही है और जीरो से हमें उसको कंसीडर भी करना है, यहां भी चीजें जीरो से शुरू हो रही है, लेकिन जो परफेक्ट चीज है वो ये है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज इन वोल्टेज पर यूनिट चेंज इन करंट होगी, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस स्लोप की शक्ल कब लेगा, कभी भी स्लोप किसके बराबर होता है, स्लोप एक्स वाई एक्सिस में
अभी आप इसको भूल जाइए, स्लोप किसके बराबर होगा अगर कोई कर्व है ऐसे, ठीक है, यहाँ x है यहाँ y है और सपोज कर्व ये है, ठीक है, सपोज कर्व क्या है वो ये, तो इसमें मेरा स्लोप किसके बराबर होगा, ध्यान से देखना, सपोज हम इस पॉइंट तक कंसीडर करते हैं तो ये क्या होगा, ये चेंज इन वाई होगा और ये क्या होगा, ये चेंज इन एक्स होगा, क्या ये बात समझ में आती है, और ये क्या होगा, ये थीटा होगा, तो स्लोप जो होगा वो किसके बराबर होता है, स्लोप बराबर होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, इसी को हम टेन थीटा भी बोलते हैं, क्या बात समझ में आ रही है, ओके, तो रेजिस्टेंस इज स्लोप ऑफ द कर्व व्हेन चेंज इन वोल्टेज इन न्यूमरेटर एंड चेंज इन करंट इन डिनोमिनेटर, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब जरा इस वाले ग्राफ को देखिए, ये जो ग्राफ दे रखा है वो कैसे दे रखा है, इस वाले कर्व की बात करते हैं, ये वाली बीच वाले, ठीक है, क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे तरीके, इस वाले कर्व की बात करते हैं हम, सपोज यहां तक की हम वैल्यू देखते हैं, यहां तक इस जगह तक की हम वैल्यू देखते हैं, तो ये बताइए बेटे इस वाले कर्व में ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये चेंज इन करंट है, और यहां तक देखेंगे तो यहां तक ये क्या चीज है, ये चेंज इन वोल्टेज है, तो इसका स्लोप किसके बराबर होगा, इसका स्लोप बराबर होगा चेंज इन करंट डिवाइडेड बाई चेंज इन वोल्टेज, तो यानी जब भी वोल्टेज एक्स एक्सिस को होगा तो उल्टा आएगा रेजिस्टेंस, जिसका स्लोप जितना ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, ठीक है, बात समझ में आती है क्या, तो देखिए ये इसका स्लोप सबसे ज्यादा, इसका जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा है, और ये वाला जो स्लोप है जो मैं रेड से बना रहा हूं, ये वाला ये R1 जो है इसका स्लोप सबसे कम है, तो जिसका स्लोप सबसे कम है उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, अगर स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर हमने V यहां पर रखा और I यहां पर रखा तो जिसका स्लोप कम है, मैं इसको यहां पर बना देता हूं, पहले मैं देख लेता हूं पूछा क्या है, विच ऑफ द फोर ग्राफ शो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस R1 का होगा, तो R1 इज द आंसर, ये बात खत्म हो गई। अब सीखने के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर हम ग्राफ ऐसे बनाएं कि वोल्टेज यहां पर हो और करंट यहां पर, तो स्लोप जिसका ज्यादा होगा, मैं लिख रहा हूं ऐसे, जिसका ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर I यहां पर दे दिया और V यहां पर दे दिया तो स्लोप जिसका कम उसका रेजिस्टेंस भी कम, हाँ जब इस तरह से दिया जाएगा यहां पर आई हो एक्स, ठीक है, उसको याद रखेंगे आप लोग, उसको भूलेंगे नहीं, ये फंडामेंटल चीज है, ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ आपको।